बाढ़ का कहर इन दिनों पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जल त्रासदी की लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूपी के कानपुर देहात की तस्वीरें भी इनसे इतर नहीं, क्योंकि इस बार एकाएक आई बाढ़ ने पिछले 26 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ की जमुना पार्टी से सटे लगभग 25 गांव अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आलम यहाँ है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुँचने के लिए हमारी टीम ने नाव के सहारे 2.5 किलोमीटर का सफर कर उन इलाकों को जायजा लिया, जहाँ अब तक किसी तरह की कोई सरकारी मदद पहुँची तक नहीं है। अधिकारी भले ही दावे कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण कर लोगों के लिए राहत व बचाव के सारे इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। बिजली नहीं आ रही, कैसे अंधेरे में जीवन कट रहा है? बिजली नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, बिल्कुल ना तो आटा साटा कुछ नहीं है, का खाओ जाए। अमरोदा वाली बस एक एक नहीं, लाइट नहीं आ रही, कैसे उजाला कैसे करती है रात में? कैसे हो ना, जब से पानी खाना कैसे बनाती है? कैसे हो ना, भूखे रह रही। अब चूल्हा उला बचे हैं, गाँव के प्रधान और प्रशासन विशेष मदद नहीं। क्या नाम है प्रधान जी का? कोई जगह नहीं है, इतनी हमारे गाँव समस्या है की कोनो जगह नहीं। ये नज़ारा है कानपुर देहात के उन इलाकों का जो इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगभग 25 गांव अब तक इस त्रासदी का शिकार हो चुके हैं। लोगों के मकान पूरी तरह जलमार्ग हो चुके हैं। खुद जिले के अधिकारी भी नावों के सहारे बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेकर राहत व बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। गांव-गांव जाकर जिलाधिकारी महोदय बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलकर उनकी समस्या का निवारण करते नजर आ रहे हैं। अब यह जानना जरूरी है कि इन इलाकों में अचानक बाढ़ का जल स्तर एकाएक क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ की जी इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। वे भी इलाके जमुना पट्टी से सटे हुए हैं। आज जिस समय भी बाढ़ का जल स्तर जमुना नदी में बढ़ता है तो वह पानी ओवरफ्लो होकर इन गांव में घुस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ अचानक ही आती है। कोटा बांध से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों के भीतर के यहां 25 गांव में जलमार्ग हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने इलाके लोगों की मदद से यहां 20 नावों के सहारे जिला प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है और 3 बड़ी नावों को कानपुर से मंगवाया गया, जिन्हें राहत कार्य में लगाया जाएगा। अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए फूड पैकेज के साथ स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी इन इलाकों में उपचार के लिए भेजा जा रहा है।